दोस्तों, आज की कहानी है नए जमाने की बहुओं से तो डर लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। डर लगता है यार, बहू आने के नाम से अब तो उल्टा जमाना आ गया है। पहले बहुओं को सास के नाम से डर लगता था, और अब सास को बहुओं के नाम से। किटी पार्टी में आई सभी सहेलियां इस बात पर जोर जोर से ठहाके लगाने लगी, परंतु ये एक गहरी सोच का विषय था। क्यों सास बहू का रिश्ता इतना तनावपूर्ण होता है? युग बदले, दिन बदले, परंतु सास बहू के रिश्ते कम ही सुधरे। माया, अब तो जल्दी ही तेरी बहू के आने का नंबर आ रहा है। अब तो तू सास बनने वाली है, तेरी आजादी तो अब खत्म। बहू जॉब करेगी और तू घर और उसके बच्चों को संभालना। आरती ने माया को सेड़ते हुए कहा, यार तू तो ऐसे डरा रही है जैसे बहू नहीं कोई हिटलर आने वाली हो। हाँ यार, आजकल यही चल रहा है। मैं तो कहती हूँ बहू को पहले से ही थोड़ा सेट करके रखना, ज्यादा अपनापन नहीं दिखाना, और जल्दी ही रसोई अलग अलग कर देना। कहना तुम भी आजाद और मैं भी आजाद, अब तो माया को भी अपनी बहू के नाम से डर सा लगने लगा था। क्या सच में ऐसा ही हो रहा है आजकल? पहले सास से दब कर रही उनके स्वर्ग सिधारने के बाद थोड़ा आजाद हुई थी, तो क्या अब बहू भी मुझ पर हुक्म चलाएगी? हे भगवान! माया का सोच सोच कर दिमाग सकराने लगा। बेटे की शादी की खुशी के लिए वो बेहद उत्साहित थी। बहू से फोन पर बात करती थी तो उसे बहू बहुत समझदार भी लगती थी। रिश्ता क्या था तब, घर खानदान और माँ भी बहुत संचकारी लगी थी, और बहू ने तो पैर सुकर उसका दिल ही जीत लिया था। बहुत प्यारी है मेरी बहू। माया घर आकर उदास हो गई। शादी का उत्साह थोड़ा कम हो गया था। कैसे करूंगी, क्या करूंगी सोच कर रात को ठीक से नींद भी नहीं आई माया को। माया, आज तैयार रहना, ज्वेलर्स के चलेंगे, बहू के लिए जेवर भी तो लेने।
है ना निरंजन ने कहा, अरे क्या हुआ माया, इतनी शांत क्यों हो, खुश नहीं हुई सुनकर, तुमने तो कब से शोर मचा रखा था जेवर के लिए। सुनो निरंजन, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, हमारी बहू कहीं हमसे हमारा बेटा न छीन ले, कहीं हम उसके इशारों पर न नाचने लगे, कहीं उसके आ जाने से हमारी आजादी न छीन जाए। निरंजन माया के मोह से ऐसी बातें सुनकर अवाक रह गया, माया किसने कही तुमसे ऐसी बातें, वो कल मेरी किट्टी में सब मुझे सेड़ रही थी, और तुम ये सब सुनकर सीरियस हो गई, ये कैसी नादानी करती हैं, उसका स्वागत करती हैं, और तुम तो मॉडर्न सास हो, बहू के साथ सास नहीं दोस्त बन कर रहोगी, ये तो तुम हमेशा से कहती आई हो। हाँ निरंजन सही कहा आपने, मैं उसकी दोस्त बन कर रहूंगी, मैं बेवजह ही सहेलियों की सेड़ खाने को सीरियस ले गई, सास से ही तो ससुराल है, सास बहू के रिश्ते को अब एक नया रूप देने का वक्त आ गया है, ये हुई ना बात, चलो अब जल्दी बहू के लिए जेवर लेने जाना है। दोस्तों सास बहू का रिश्ता युगों से बदनाम होता आया है, एक सास ही तो होती है जो हमें गृहस्थी के सभी गुण सिखाती हैं, थोड़ा झुक कर, थोड़ा सुन कर, थोड़ा कह कर, थोड़ा अनसुना करना ही हर रिश्ते को बसा सकता है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो।